Hi friend, for last lecture we discussed the definition about subset, proper subset, superset. Once again recall that definition of subset. A set A is a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. And हमने भी देखा था कि A subset of B, if A belongs to A, implies that A belongs to B, means every element of set A is also an element of set B, then A subset of B possible होगा. उसके बाद हमने ऐसा भी देखा था कि if A subset of B, but A is not equals to B, then A is called proper subset of B, and B is called superset of A. So once again, if A subset of B is not equal to B, then A is called proper subset of B and B is called superset of A. अब हम आज types of interval देखने जाने वाले हैं. उसके पहले last lecture में हमने equal set की definition भी different angle से देखी थी. A equals to B कब होगा? तो if A subset of B and B subset of A, then A and B are equal set. Okay, वो भी देखा था. अब types of interval पढ़ने वाले हैं. तो interval क्या है? तो one type of set है. Set का type ही है. लेकिन जब real number का subset की बात करते हैं, तब interval होगा. So once again, real number का subset जो होगा, वो interval होगा. Suppose ये real number string line है, the 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, etc. है. तो हमें suppose इतना number लेना है सारे real number, तो क्या होगा? फिर suppose ऐसा लेना हो, इसके दोनों के बीच का number तो क्या होता है? वो सब देखने वाले हैं. ये types of interval है, जो real number आज के subset ही होंगे. So intervals as a subset of R. उसमें first type है closed interval. First type है closed interval. So closed interval का symbol क्या होगा? तो बड़ा bracket, round bracket नहीं, close bracket भी इसको बोलते हैं. So close interval का symbol ऐसा होगा. अब इधर दो value आपको रखनी होगी. Suppose इधर मैंने ये लिया और इधर B लिया, तो इसका meaning क्या होगा? तो जब interval में आप दो value लिखते हो, तो left side की value right side की value से small होनी चाहिए. Means A less than B होना चाहिए. क्या होना चाहिए? A less than B. Means interval में जो बड़ी value है वो right side होगी और small value left side होगी. और ये close bracket का symbol है. तो जब x belongs to close interval A to B लिखते हैं, तो इसका meaning क्या होगा? तो इसका meaning ऐसा होगा, जब close bracket होगा तब कि हमें x की value to end points भी लेनी है. It means x की value A और B दोनों लेनी है, और इन बिटवीन ए एंड बी की वैल्यू लेनी है. मींस एक्स की वैल्यू ए और ए से लार्ज लेनी है, बी और बी से स्मॉल, एवरी रियल नंबर लेना है. सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वेयर एक्स की वैल्यू ए और ए से लार्ज, बी और बी से स्मॉल, रियल नंबर. इट मींस एक्स बिलोंग्स टू आर होगा. तो क्लोज इंटरवल A to B, इसका मीनिंग x की वैल्यू A लेनी है, B लेनी है, और उसके बीच की रियल वैल्यू लेनी है. सेकंड टाइप है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल, सो उसका सिंपल होगा राउंड ब्रैकेट A to B. अब जब इंटरवल की बात आती है, तो ये स्मॉल होगा और ये लार्ज होगा ऑलवेज. So x belongs to open interval A to B, इसका मीनिंग क्या होगा? तो हमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं. कौन से हैं एंड पॉइंट? तो A एंड B है. तो x की वैल्यू A नहीं लेनी है, B नहीं लेनी है,
सो ये ओपन इंटरवल हुआ। थर्ड टाइप है क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, सो पहले हम क्लोज लिखते हैं तो ये ब्रैकेट होगा, फिर बाद में ओपन तो राउंड ब्रैकेट होगा। इट मींस एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल ए टू बी, मींस एक्स की वैल्यू ए और ए से लार्ज बट बी से स्मॉल लेनी है, इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स की वैल्यू ए और ए से लार्ज बट बी से स्मॉल, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये हमारा थर्ड टाइप क्लोज ओपन इंटरवल हुआ। नाउ फॉर ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, सो पहले हम ओपन बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, क्लोज बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। सो इसका मीनिंग होगा एक्स की वैल्यू ए से लार्ज बट बी और बी से स्मॉल, इक्वल्स टू एक्स वेयर ए लेस देन एक्स लेस और इक्वल्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरवल हुए। सो देयर आर फोर टाइप ऑफ इंटरवल। फर्स्ट वन क्लोज इंटरवल, सिंबल क्लोज ब्रैकेट। सेकंड टाइप ओपन इंटरवल, सिंबल राउंड ब्रैकेट। थर्ड टाइप क्लोज ओपन इंटरवल, स्टार्टिंग में क्लोज इंटरवल, लास्ट में ओपन इंटरवल। एंड फोर्थ वन ओपन क्लोज इंटरवल, स्टार्ट ओपन इंटरवल से करेंगे एंड क्लोज इंटरवल से करेंगे। सो देयर आर फोर टाइप ऑफ इंटरवल और ये सारे इंटरवल रियल नंबर आर के सबसेट होंगे। सपोज हम ऐसा लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कितनी वैल्यू होगी इंटरवल में? तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। क्यों? एक्स 1 लेना है, 3 लेना है और इन बिटवीन रियल नंबर लेना है। इट मींस 1.1, 1.01, 1.111, 1.1001, तो सारी वैल्यू इंक्लूड है, तो ऐसे तो इनफिनिट वैल्यू इंक्लूड होगी इंटरवल में। मींस कोई भी इंटरवल की आप बात करो वो इनफिनिट वैल्यू होगा। वो इंटरवल में कितनी वैल्यू होगी? इनफिनिट। क्योंकि कोई ऐसा लिखे कि सपोज क्लोज इंटरवल 2 2 3, अदरवाइज ओपन इंटरवल 2 2 3, इट मींस एक्स की वैल्यू 2 और 3 इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में इनफिनिट वैल्यू पॉसिबल होगी। सपोज इलस्ट्रेशन लिखते थे 2.1, 2.01, 2.123, 2.99999 एक्सेट्रा, तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल होगी। सो कोई भी इंटरवल होगा उसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल होगी। सो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल देखे। अब इनफाइनाइट इंटरवल भी देखना है हमें, तो इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा? So, पहले ये रियल लाइन जिसको हम रियल नंबर आर भी बोलते हैं। सपोज ये 0 है, राइट साइड 1 2 3, लेफ्ट साइड -1 -2 एटसेट्रा है, तो राइट साइड आप जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट होगा। सो आगे प्लस साइन करने नहीं है, और लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट होगा, वहां पे माइनस साइन ऑलवेज करना है। तो ये रियल लाइन हुई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। अब हमें रियल नंबर आर लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरवल के फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तब आपके मन में वो क्वेश्चन होगा कि इधर ब्रैकेट कौन सा लेना है। तो जब इनफाइनाइट होता है तब ओपन इंटरवल होगा, जो साइड इनफाइनाइट दिख रहा है वो साइड ओपन इंटरवल होगा। क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है डिसाइड, और स्पेसिफिक वैल्यू डिसाइड नहीं होती है तो ओपन इंटरवल होगा। सो ये साइड इनफाइनाइट हुआ तो ये ओपन इंटरवल, ये साइड इनफाइनाइट हुआ तो ये साइड भी ओपन इंटरवल। तो जो पॉइंट इनफाइनाइट का हो उस साइड का ब्रैकेट ओपन करना है। अब सपोज हमें ऐसा लिखना है कि r प्लस, इसका मीनिंग क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इट मींस हमें x की वैल्यू 0 और नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। सो x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो इसका मीनिंग होगा ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट होगा।
Now R plus union singleton set 0. तो इसका मैंने कहा positive real number include 0. तो 0 इसमें हमें include करना है. तो close open interval 0 to infinite होगा. Suppose हमें R minus लिखना है. Negative real number. So 0 से small left side. It means minus infinite to open interval 0 होगा. So हम R को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R प्लस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और R प्लस में 0 सिंगलटन सेट 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा. अब इनफाइनाइट इंटरवल भी हमें देखना है. तो इनफाइनाइट इंटरवल क्या है, तो दोनों में से कोई भी एक एंड पॉइंट इनफाइनाइट होता है वो इनफाइनाइट इंटरवल होता है. सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, रियल नंबर इधर कोई वैल्यू a है, सो a बिलोंग्स टू r होगा. राइट साइड प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट. सो हमें a और a से लार्ज वैल्यू a पोर्शन लेना है, a और a से लार्ज वैल्यू लेनी है. तो हमारा इंटरवल होगा क्लोज ओपन इंटरवल a टू इनफाइनाइट होगा. इट मींस हम ऐसा लिखे कि x belongs to close open interval a to infinite. इस तरह थोड़ा दिखेगा नहीं, आगे लिखता हूं x belongs to close open interval a to infinite. तो इसका मीनिंग होगा x की वैल्यू a और a से लार्ज होगी. सो x वेयर x greater or equals to a, x belongs to r होगा. a और a से लार्ज कहां तक, इनफाइनाइट तक. सपोज ऐसा हो ओपन इंटरवल ए टू इनफाइनाइट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू ए से लार्ज होगी, रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर. सपोज ऐसा हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल ए, तो इसका मीनिंग होगा एक्स की वैल्यू ए और ए से स्मॉल. इट मींस एक्स वेयर एक्स लेस और इक्वल्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू आर. एंड लास्ट वन x belongs to minus infinite to a open interval. So x की value a से small means x less than a, x belongs to R होगा. तो ये चारों infinite interval हुए. So there are four type of interval: close interval, close open interval, open close interval. Then after ये infinite interval है, जिसमें दोनों में से एक भी एक पॉइंट एंड पॉइंट इनफाइनाइट होगा, उसको हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं. फिर रियल नंबर के सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल के फॉर्म में वो भी देखा. सो ये टाइप्स ऑफ इंटरवल हुए हैं. अब इतना करने के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पावर सेट. So, definition of power set. तो power set किसको बोलते हैं? तो पहले हम थोड़ा understand कर लेते हैं, बाद में उसका definition देखते हैं. तो suppose A is any set, an element of A are A and B. Means set A में कितने element लिए हमने? दो, A and B. तो set A के कितने subset possible होंगे? तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द सबसेट ऑफ ए आर 2s टू n है. तो इधर सेट ए में दो एलिमेंट है, तो 2s टू 2 मींस फोर सबसेट पॉसिबल होंगे. कौन से होंगे? तो एक नल सेट एम्प्टी सेट होगा, फिर सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी एंड सेट ए मींस सेट एबी. ये चार सबसेट हमने लिखे. अब जो ये सबसेट लिखा उसका अगेन सेट कहते हैं, तो वो पावर सेट होगा और उसका सिंबल होगा पावर सेट ऑफ ए. सो पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे? तो ए के सबसेट जो पॉसिबल है वो अगेन सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पावर सेट ऑफ ए होगा. तो अब पावर सेट ऑफ ए की डेफिनेशन आप इजीली देख पाओगे कि क्या हो सकती है डेफिनेशन. तो एक कलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. वंस अगेन,
a collection of a subset of a set A is called power set of A. तो आप जानते हो कि power set of A में कितने element हुए हैं? 4. तो A के जितने subset possible हैं उतने element power set of A में होंगे. So in general case, set A has m element. Set A has m element. Then number of power set of A has 2^m element means power set of A में 2^m element होंगे. जितने subset possible हैं उतने ही element होंगे power set of A में. अब दूसरा observe करना है कि set A लिखा है तो उसके जो element है A and B वो set नहीं है. A and B elements है वो set नहीं है. But power set of A के element तो ये चारों तो set हैं. It means power set of A के element set होंगे जब set के element set नहीं होंगे. So power set of A के element set होता है तो हम power set of A equals to set B ऐसा represent करेंगे. तो B क्या होगा? ये केस में 5 singleton set A, singleton set B and set A भी होगा. B क्या होगा? ये चारों में से कोई भी element होगा. अब आप observe करो कि चारों element तो A के subset है. It means B किसका subset होगा? B A का subset होगा. So B is subset of A. It means इधर जो element आप लोगे वो इधर होगा और ये bracket में जो element होगा वो right side होगा. So general case में हमें लिखना होगा कि power set of A. So हम suppose Z suppose करते हैं तो Z किसका subset होगा? X का. It means Z is subset of X ऐसा होगा. तो ये power set की बात हुई. तो आज हमने types of interval देखे और उसके बाद में ये power set की definition देखे. अब हम exercise 1.3 सॉल्व कर सकते हो. तो आप अपने टेक्स्ट बुक का पास में रखो, साथ में हम सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्यूशन सबका देखते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3. सम नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग in the symbol subset or not subset in the blank spaces. So first one, set 2, 3, 4 blank spaces, set 1, 2, 3, 4, 5. So either subset hoga, otherwise is not subset hoga, wo hame input karna hai. तो आप जानते हो कि every element of set A is also element of set B, then A is subset of set D. Means इधर subset possible होगा. Now second one, set A B C blank space, set B C D. तो इधर subset होगा कि नहीं? तो ये सेट का एलिमेंट A इधर तो दिखता ही नहीं है. सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B होना चाहिए, इधर नहीं है. सो इधर इज नॉट सबसेट होगा. नाउ थर्ड वन, अब टेक्स्ट में देखना, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मींस आपके स्कूल का क्लास 11 का स्टूडेंट. एंड सेकेंड जो सेट दिया है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. सो 11th का क्लास का स्टूडेंट वो अपने स्कूल का तो स्टूडेंट होगा ही. मींस 11th का क्लास वो अपने स्कूल का सबसेट होगा. सो थर्ड वन में सबसेट पॉसिबल है. सो सबसेट आएगा. नाउ नेक्स्ट वन, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन. सो x इज अ सर्कल इन अ प्लेन. सो ये वर्ड प्लेन है तो उसमें सर्कल ड्रॉ करना है. तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. सपोज इसकी रेडियस 0.5 है, सपोज इसकी रेडियस 0.1 है, इसकी रेडियस 2 यूनिट है. सो ऐसे सारे सर्कल हमें पॉसिबल है. नाउ राइट साइड क्या दिया है? x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन
with radius 1. So right side ka jiske radius 1 ho aisa hi circle possible hoga. To ye zyada circle hoge ya ye zyada? To obviously isme only one radius wala circle hoge. Isme to koi bhi real number radius wala circle ho sakta hai, positive real number means ye circle zyada ho gaya to idhar ye sabse possible nahi hoga. Lekin statement converse diya ho, ye left side diya ho aur ye right side diya ho, to sabse possible hoga kyunki one radius wala circle ye sare circle mein include ho jayenge. So jab statement converse karke diya ho tab sabse possible hoga. Next one, x is a triangle in a plane. X is a triangle in a plane. So a triangle aisa bhi ho sakta hai equilateral, phir right angle triangle bhi ho sakta hai, phir aisa bhi triangle possible hai. To sare triangle possible hoke left side. Jab right side kya bola hai, x is a rectangle in a plane. So rectangle or right angle triangle, otherwise equilateral triangle, otherwise any triangle, ye dono ka beech mein to koi relation hi possible nahi hai. So subset nahi hoga kyunki triangle and rectangle ke beech mein koi relation hoga nahi, to either is not subset hoga. Then after next statement, x is equilateral triangle in a plane. So left side to only equilateral triangle ही होगी, इधर होगा, plane में कहीं भी हो सकता है, और उसके तीनों side के value 1 unit, 2 unit, 3 unit आप क्या हो वो भी रख सकते हो, लेकिन equilateral होना चाहिए. जब right side क्या बोला है, x is a triangle in a space, तो इधर equilateral triangle भी हो सकता है, right angle triangle भी हो सकता है. इसकी वैल्यू साइड्स की वैल्यू ए 1 2 3 कोई भी आप रख सकते हो. सो ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है, ऐसा भी ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है. सो ये ट्रायंगल ज्यादा हो गए या ये ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल कम हो गए ऑल ट्रायंगल से. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन होगा. Now next one, x is an even natural number. So even natural number कौन से होंगे, तो 2 4 6 etc होंगे. जब right side integer बोला, integer कौन सा होगा, तो -2 -1 0 1 2 etc होंगे. तो ये सारे number इसमें include है, that's why that सबसे possible होगा. So even positive integer is a subset of integer hoga. So ye case mein sabse zyada aayega. Next question, example number 2. Example number 2 mein examine whether following statement are true or false. Statement true hai ya false hai wo hame examine karna hai. So first statement diya hai, set AB is not subset set BCA. Ye statement correct hai ya wrong hai wo find karna hai. To ye dono element isme include hai, so ye statement wrong hoga, false hoga, सबसेट पॉसिबल होगा, इज नॉट सबसेट पॉसिबल नहीं होगा. सेकंड वन, सेट ए ई सबसेट राइट साइड एक्स, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो हम जानते हैं वोवेल कौन से है, ए ई आई ओ यू. तो ये दोनों एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, दैट्स व्हाई सबसेट पॉसिबल होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा. थर्ड वन, 1 2 3 is subset of 1 3 5. तो ये wrong होगा क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 include नहीं है, तो ये set इसका subset नहीं होगा. तो ये statement false होगा. Now next, for set A, simpleton set A is subset set A B C. तो ये A इसमें include है, means
बाद सिंगलटन सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। और हम ऐसा जानते हैं कि जब दोनों साइड सेट होते हैं, दोनों साइड सेट होते हैं तो बीच में सबसेट होता है, अदरवाइज इक्वालिटी होगी। वंस अगेन, दोनों साइड सेट होते हैं तो बीच में सबसेट होगा, अदरवाइज इक्वालिटी होगी, बिलोंग्स टू कभी नहीं होगा। तो बिलोंग्स टू कब होगा? तो सेट और उसके एलिमेंट की बात होती है तब बिलोंग्स टू होगा। तो आप जानते हो ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो सेट के बीच में बिलोंग्स टू का रिलेशन नहीं होगा, सबसेट अदरवाइज इक्वल टू का रिलेशन होगा। सो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, इट्स मीन ये फॉल्स होगा। देन आफ्टर x x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सो 2 4 होगा। राइट साइड x इज नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, सो इधर राइट साइड कौन सा नंबर आने वाला है वो आप जान चुके होंगे, x इज नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36 मींस 1 2 3 4 6, फिर बाद में 9 12 18 एंड 36। सो ये 2 और 4 इसमें इंक्लूड है, सो ये सबसेट होगा, तो हमारा स्टेटमेंट राइट होगा। सो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के सब नंबर 1 एंड 2 तक सॉल्व